गाइज वेलकम टू टेक्नोलॉजी माइंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि यूट्यूब पर जो दो प्रकार के लाइसेंस होते हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, आखिर इन दोनों का मतलब क्या होता है। और दोस्तों मेरे ख्याल से आप में से कई सारे क्रिएटर हमारे ऐसे भी दर्शक होंगे जो कि ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस और स्टैंडर्ड लाइसेंस के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे और उनके मन में ये भी चल रहा होगा कि भाई ये लाइसेंस क्या होता है, भैया गाड़ी वाले लाइसेंस की तो नहीं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग एक नए क्रिएटर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से समझना, क्योंकि देखिए दोस्तों यूट्यूब पे आजकल बताया क्या चल रहा है, सिर्फ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा लो, व्यूज कैसे बढ़ा लो। और दोस्तों ये सारी ट्रिकें भैया कभी भी काम नहीं करती है। पर दोस्तों एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की जो पहचान होती है ना, वो दोस्तों ये होती है कि चाहे वो किसी भी कैटेगरी का यूट्यूबर हो, वो दोस्तों अगर यूट्यूब पर काम कर रहा होता है ना तो यूट्यूब की हर एक छोटी बड़ी पॉलिसीज को या फिर हर एक छोटे बड़े अपडेट्स पर नजर रखता है और उनके अकॉर्डिंग यूट्यूब पर काम करता है। और दोस्तों आप लोग से भी मैं यही कहना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं और यूट्यूब पर अपना एज ए करियर लेके चलने वाले हैं और यूट्यूब पर अपना भविष्य देखते हैं, तो भाई यूट्यूब की हर एक छोटी बड़ी जानकारी आप लोग को होना चाहिए। उसी में से दोस्तों एक जानकारी है जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर नहीं पता है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। और काफी सारे लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं जिनको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता रहता है कि भाई यूट्यूब पे हमको कौन सा लाइसेंस अपनी वीडियो में सेट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए दोस्तों करता हूं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि भाई यूट्यूब पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का एक्चुअल में मतलब क्या है और हमको अपनी वीडियो में कौन सा लाइसेंस जो होता है वो यूज करना चाहिए। बस आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई आखिर में लाइसेंस होता क्या है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई इन दोनों में से कौन सा लाइसेंस आप लोग को, मतलब आप लोग की वीडियोस के अनुसार आप लोग को यूज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नए क्रिएटर हैं तो हो सकता है पहली बार, जैसा कि मैंने अभी बोला कि भाई पहली बार सुन रहे हो कि भाई लाइसेंस का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर आप लोग कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो के कॉपीराइट यानी कि दोस्तों आपका मालिकाना हक सिर्फ आपका होता है। आप लोग चाहें तो किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं अगर सामने वाले बंदे ने आपकी वीडियोस को यूज किया। क्लियर, ठीक है, समझ गए ना। तो दोस्तों उसी प्रकार से YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस है, YouTube ने अपने पॉलिसीज़ के अंदर दो गाइडलाइंस बनाई है जिसमें दोस्तों एक मतलब दो लाइसेंस बनाया है, जिसमें एक लाइसेंस का नाम रखा है स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस और एक लाइसेंस का नाम रखा है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग मान लो क्रिएटर हैं और इंडिविजुअल क्रिएटर है, ठीक है। अब दोस्तों मैं जो YouTube पर काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी वीडियोज़ के लिए स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस यूज़ करूँगा। क्यों? देखिए दोस्तों, YouTube पर जो स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस होता है वो दोस्तों इसलिए होता है कि आपका जो वीडियो है ना वो किसी भी कोई भी बंदा आप लोग की कॉपी ना कर पाए या आपका वीडियो डाउनलोड करके अपने यूट्यूब अकाउंट पे अपलोड ना कर पाए। तो आप लोग के पास में पूरा उसका राइट्स रहता है। अगर आप लोग ने अपनी वीडियो में स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को यूज किया होता है तो आपके पास में पूरा राइट्स है कि आपका वो कॉपीराइट वाला मटेरियल है और आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। मतलब आप एक तरह से कह लो उस वीडियो के मालिक है और आप किसी को भी इजाजत नहीं देते हैं कि हमारे उस वीडियो को यूज करें बिना मेरी परमिशन के, ठीक है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं भाई क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की। देखिए दोस्तों, कई सारे चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो कि दोस्तों आप लोग ने देखा होगा कि वो दोस्तों अपनी वीडियोस के अंदर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को कौन कौन लोग यूज करते हैं और इसके बेनिफिशियल और अनबेनिफिशियल रीजन या मतलब के इफेक्ट क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस उन लोगों के लिए होता है जो कि दोस्तों इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, अकेले काम कर रहे होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों वो ये नहीं चाहते कि हमारा जो वीडियो है कोई भी बंदा अपने यूट्यूब चैनल पर डाले, ठीक है, इस लाइसेंस के तहत, ठीक है। अगर कोई भी बंदा डालता है तो भैया इस लाइसेंस के तहत आप उसको आराम से कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। वहीं पे अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को यूज किया है तो आपके पास में कोई भी राइट्स नहीं रहता है। अगर कोई भी सामने वाला बंदा उस वीडियो को यूज कर लेता है, डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता है, कोई भी दूसरे सोशल मीडिया साइट्स पर डाल देता है जहां पर दोस्तों आप लोग की नजर पड़ी कि भाई ये हमारा वीडियो है और आप चाहेंगे कि भाई उसको सामने वाले बंदे को कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे, और अगर आपने उस वीडियो में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को यूज किया होगा तो भाई आप लोग जो है उसका पूरा अधिकार नहीं रखते हैं क्योंकि आप लोग ने उस वीडियो में क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस को यूज किया है। तो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस ये कहती है, पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपने अपनी वीडियो के अंदर इस लाइसेंस का इस्तेमाल किया है तो आप सामने वाले बंदे को कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते। अब यहां पे बात आती है कि भाई ये जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है ये आखिर हम लोग अपनी वीडियोस में लगाएं तो लगाएं क्यों। देखिए दोस्तों, कई सारे चैनल्स बेवकूफ नहीं होते, वो इसलिए लगाते हैं कि उनको सिर्फ नाम और व्यूज से मतलब होता है, मतलब वो खुद चाहते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है ये करोड़
करोड़ों यूजर्स तक पहुंचे और कोई अपने यूट्यूब चैनल पर डाले या फेसबुक अकाउंट पर डाले या ट्विटर पर डाले या इंस्टाग्राम पर डाले, उनसे कोई भी मतलब नहीं ना, यानी कि दोस्तों वो एक तरह से कह लो पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो खुद चाहते हैं कि हमारी इस वीडियोस की पॉपुलैरिटी हो और कई सारे लाखों चैनल्स में हमारा ये वाला जो वीडियो है ना वो भैया डले और हम किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देंगे नहीं, ठीक है। तो यही होता है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का मतलब। अगर मान लीजिए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस किसी ने यूज़ किया है और कोई भी बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक देने की इच्छा भी व्यक्त करता है और सोचता है कि हम सामने वाले बंदे को कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे, तो यूट्यूब की तरफ से भैया खुली इस गाइडलाइंस में कहना है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो पहली बात तो स्ट्राइक लगेगी नहीं, और अगर आप लोग ने ऐसा करने का प्रयास भी किया, अगर आपने यूट्यूब में अपनी वीडियोस के अंदर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का यूज़ किया और सामने वाले बंदे ने आपका वीडियो को यूज़ किया लेकिन आप सोच रहे हैं कि उस बंदे को स्ट्राइक दे दे, तो ऐसे में यूट्यूब जो है ना आपको पनिश कर सकता है, आपका चैनल तक टर्मिनेट किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई अब आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इन दोनों लाइसेंस के बारे में कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस कब यूज़ किया जाता है और क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कब यूज़ किया जाता है। फिलहाल दोस्तों फाइनली मैं बताऊँ तो अगर आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर है तो भाई अपनी वीडियोज़ में स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस का ही यूज़ किया करिए। और दोस्तों फिर भी अगर आप लोग को अभी तक कोई ऐसी जानकारी हो जो कि दोस्तों ना समझ में आए, जो हमसे पूछना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट होता है भाई, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो, सवालों को जवाब मिल गया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक लेटर, बाय बाय, लव यू।